तब तक आपने देखा कि शिवम के घर में चुड़ैल आ जाती है और शिवम और प्रीत उसे देख के डर जाते हैं और वो दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी से भागते हैं। पर देखते ही देखते चुड़ैल गाड़ी में भी आ जाती है और फिर वो सोचते हैं कि घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर दे ताकि चुड़ैल घर में ना आ पाए। पर जैसे ही वो सोने लगते हैं तो चुड़ैल उसके बेड पे भी आ जाती है और फिर वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं पर तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाता और देखते ही देखते प्रीत गायब हो जाती है और शिवम डर जाता है। अब आगे आगे खोलो प्रीत, क्या करूं बेबी, आगे खोलो ना यार, क्या हो गया, मर तो नहीं गई कहीं? नहीं नहीं नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार, ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकता, क्या करूं। प्रीत, आपके अंदर चुड़ैल आ गई थी। चुड़ैल? क्या चुड़ैल? अभी चुड़ैल कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल ना रात को आपके अंदर चुड़ैल आई और जैसे ही आपके अंदर चुड़ैल आई और आप बेहोश हो गए। मैं बेहोश हो गई थी, फिर मैं आपको उठा के यहाँ पे ले आया रात में और अब आप सुबह ऐसे उठ गए। मुझे लगा आपके अंदर अभी चुड़ैल लगी तो मैं डर गया। चुड़ैल उड़ैल का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ बेबी, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, लेकिन क्या करूं, अगर इस घर से बाहर गया तो वो चुड़ैल फिर से मेरे पे हावी हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा बाहर। पर अब चुड़ैल के डर से खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते ना, कुछ तो करो। चलो ठीक है बेबी, मैं जाता हूँ बाहर, कुछ देखता हूँ खाने का मिलता है तो। आप अपना ख्याल रखना ठीक है, अब फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं इतने कुछ लेके आता हूँ ठीक है। नहीं अभी गया हूँ। क्या? अरे बेबी आपके आंखों के आगे खड़ा हूँ तो आई गया ना, ये सब्जी भी ले आया और मैं। अरे क्या बात है, आप ना भी लिए?
नहीं, वो तो मैंने अभी सिर्फ बाल भिगोए हैं। क्यों? वो मुझे भूख लग रही है ना, तो पहले खाऊंगी फिर नहाऊंगी। हाँ मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया सी सब्जी, हरी भरी सब्जी लाया हूँ मैं। पर मैंने अभी तक सिर्फ कपड़े धोए हैं, वो छत पे सुखाने के लिए रखे हैं, तो तुम लेके आ जाओ, मैं ये टॉवल रख के आती हूँ। अच्छा कपड़े सूख गए होंगे? हाँ सूख गए होंगे। ठीक है जल्दी आओ। प्रीत ऊपर? लेकिन अभी तो प्रीत ने मुझसे कहा कि तुम पहले जाओ फिर मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। चलो पूछ क्या। अरे प्रीत, अरे प्रीत मेरी बात तो सुनो प्रीत। अरे प्रीत आप मुझसे पहले ऊपर कैसे आ गए? आपने तो कहा था बेबी आप पहले जाओ फिर मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। मैंने बुलाया है। चुड़ैल जी मेरे को माफ कर दो प्लीज, चुड़ैल जी मेरे को मत मारना प्लीज, चुड़ैल जी मेरे को माफ कर दो। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरे को कच्चे चबा जाऊंगी। और नहीं मेरे को मत मारो प्लीज, चुड़ैल जी मेरे को मत मारो प्लीज 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 मत मारो मेरे को प्लीज मुझे मत मारना चुड़ैल जी प्लीज, आप जो बोलोगे वो मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। क्या 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 बोला तूने? आपके लिए सब कुछ करूंगा। सब कुछ करेगा? अच्छा तो चल मेरी सेटिंग करवा, वो भी किसी स्मार्ट से बंदे से। सेटिंग? हाँ मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे मत मारना प्लीज। मैं तुझे छोड़ दूंगी। छोड़ दोगे मेरे को? और प्रीत को भी मत मारना ठीक है? हाँ उसे भी छोड़ दूंगी पर मेरी सेटिंग करवा। हाँ ठीक है मैं आपकी सेटिंग जरूर करवाऊंगा ठीक है, पक्का करवाऊंगा। हाँ क्या देख रहे हो? फोन मिला? हाँ अभी मिलाता हूँ लेकिन किसको मिलाऊं? किसको फोन मिलाना है? अरे बेबी इन्होंने मुझसे कहा है अगर तुम मेरी सेटिंग किसी लड़के से करा दोगे ना हैंडसम से तो ये हम दोनों को आजाद कर देगी, इसका मतलब ये हम दोनों को छोड़ देगी हमेशा के लिए। हाँ तो यही समझ नहीं आ रहा मैं फोन करूँ तो करूँ किसको, किसको करूँ फोन? कौन है जो ऐसा मुर्गा जो जाल में फंस जाए? अरे तो अपने उन दो कमीने दोस्तों को फोन करूँ ना। अरे कौन कमीने दोस्त? मेरे तो सारे दोस्त कमीने हैं। अरे वही दो जिनकी वजह से तुम मेरे पल्ले पड़े। अच्छा हैं? मतलब तुम मिले। हाँ देखूं दिन ब दिन घनीशानी होती जाए। हाँ हाँ बेबी आप सही कह रहे हो, वो दो लंगूर जरूर इस जाल में फंस जाएंगे, अभी फोन करता हूँ। वो बेबी मेरा एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया तो अपना फोन दिखाना। गरीब। लगा 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 लगा। हेलो हेलो डिग्रो भाई क्या हाल है? अरे भाई मैं तो बहुत खराब हूँ, मेरा मतलब हम बहुत अच्छे हैं भाई, और तू और राहुल कहाँ पर हो क्या कर रहे हो? अच्छा पबजी खेल रहे हो, तो भाई एक काम करो ना मेरे घर पे आ जाओ ना। अरे यार आ जाओ ना यार प्लीज। अरे यार ये दोनों तो पबजी खेल रहे हैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कुछ भी करो लेकिन इनको बुलाओ। हाँ बोल रहा हूँ आइडिया। रुको। हेलो भाई वो तो मैं यूँ कह रहा था जो तुम्हारी भाभी है ना प्रीत, उसने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी एक नंबर की कड़ाके की मसाले डाल के, तो तुम आ सकते हो चाहो तो। क्या अरे तो घर के बाहर भी आ गए, बड़े भूखे हैं तो अभी बुला के लाता हूँ।
मटर पनीर। हाँ भाई आजा आजा आजा। हाँ चल यार भाग ले कहीं के। अरे हाँ भाई हाँ 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 बैठो 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 बैठो। भाई कहाँ है हमारी मटर पनीर? अरे हाँ भाई सबर रखो सबर, मटर भी मिलेगा और पनीर भी। हाँ अरे जल्दी लाओ भाई, क्या है ना रहा नहीं जाता ना। कौन है? खुद ही पूछ लो भाई। आप कौन हो मोहतरमा? मैं चुड़ैल हूँ। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मेकअप। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेंस। भाई देख बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। एक्टिंग एक्टिंग है। बेबी मुझे लगता है आज ये दोनों तो गए। जैसे ये है ना इनको जाना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। अरे मेरे को तो क्या हो रहा है, हो रहा है नहीं हो गया। अरे क्या हुआ मेरे को तो बताओ भाई। वो बताएंगे बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे सही टाइम आने पर। तो डांस कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको चुड़ैल से प्यार हो गया, इसका मतलब हमारी जान छूटी। अरे वाह यार बढ़िया डांस कर रहा है। भाई भाई चाकू, अब मैं उसने चाकू निकाल लिया। चक्कू निकाल लिया। हुआ क्या? अबे अरे बता दे। अरे भाई चल। हुआ क्या? अरे चल जाओ तो सही। अरे बताएगा क्या हुआ? पहले बताओ क्या हुआ। अरे भाई वो जो अंदर है ना वो चुड़ैल है। चुड़ैल तो चुड़ैल तो लगेगी ना वो, क्योंकि उसने मेकअप जो कर रखा है। अरे हाँ भाई उसकी आवाज भी तो वैसी है चुड़ैल जैसी। अरे नहीं वो असली चुड़ैल है असली। हाँ अरे भाई सचमुच चुड़ैल ही तो होगी वो, उसने मेकअप भी तो कर रखा है। अरे तुम सुनो मेरी बात शुरू से सुनो, मैं तुमको शुरू से समझाता हूँ ठीक है। तो भाई हुआ यूं था कि भाई ये हुआ। अबे साले तूने हमें बुला लिया। अरे तो भाई मैं और करता ही क्या, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुमको नहीं बुलाता तो किसको बुलाता, और वैसे भी प्रीत ने कही थी कि तुम दोनों को बुला लो। भाई सॉरी यार प्लीज भाई अब हमारी मदद कर दो ना प्लीज भाई। बोलो तुम।
भाई हमको कुछ नहीं कर सकते, जा तू चल। आज भाई ये दिन आ गया ना, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे। भूल गए वो दिन, बचपन में खेला करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, लॉलीपॉप खाते थे, खूब शरारत करते थे। अच्छा ठीक है, पर भाई देख मेरी तो गर्लफ्रेंड पहले से है, सिंगल है राहुल, और वो राहुल को पसंद करती है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो इसका मतलब राहुल ही कुछ करेगा। नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चुड़ैल है। तो वो तेरी सेटिंग भी तो बन गई। नहीं 100 रुपए दूंगा, 150 लूंगा। ओके हाँ तो भाई कुछ कर। करना क्या है? क्या करना है यार, इसमें तो दिमाग नहीं है यार। देख लो भाई तू ही कुछ कर यार। ठीक है वो सोचते हैं। हाँ भाई सोच सोच, हमारे लिए भी सोच। मेरे लिए स्पेशली? हाँ मतलब हमारे लिए। आइडिया? हाँ भाई जल्दी बता जल्दी। भाई किसी तांत्रिक या बाबा को बुलाए। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ी चैंपियन थी। अरे ये नहीं, वो तांत्रिक वाला बताओ ना। ओह हमने ना तांत्रिक को पहले बुला चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तांत्रिक बातें सब झूठे होते हैं, नकली कहीं के। हाँ भाई ये सब मोहमाया है, इससे कुछ नहीं होता। कुछ और प्लान हो तो बताओ यार। अरे भाई मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ओरिजिनल सिंगल पीस है। उसकी हाइट थोड़ी कम है, उम्र थोड़ी कम है, पर उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मेरे तरफ से तो वो बेस्ट है, बाकी तुम दोनों देख लो भाई। अच्छा भाई हाँ इससे काम बन जाएगा? अरे हाँ भाई मैं कह रहा हूँ तो बन जाएगा यार। देख ले कुछ और सोच लो इसके अलावा। तुम्हारे पास और कोई चारा है? हाँ भाई सही कह रहा है, मान ले इसकी बात, मैं भी बच जाऊंगा। ठीक है मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अरे यार भाई मैंने अभी नया फोन लिया था तो मेरे सारे नंबर डिलीट हो गए। अरे शिट यार शिट। अरे कोई बात नहीं, नंबर है राहुल के पास। राहुल नंबर बोलियो। तेरे को याद है भाई नंबर? हाँ तो बोल। नाइन एट बस 10 नंबर हो गए। नहीं अभी तो 2 ही हुए हैं। अबे कॉल लग गया। हेलो तांत्रिक बाबा। ए, किसने धक्का दिया? इसने दिया, इसने। मैंने नहीं दिया बाबा जी धक्का, इन्होंने दिया होगा, मैंने तो नहीं दिया बिल्कुल भी। अबे इस लड़की से दिया, तूने दिया होगा। मैं बाबा जी मैं दूंगा, मैं पागल हूं तो दूंगा। हां तू पागल है। अरे मैं नहीं दे सकता धक्का बाबा जी को यार, तुम समझा। मैंने नहीं दिया, इसने दिया होगा। बस झूठ बोल रहे सारे के सारे, मेरे को पागल बना रहे हैं। इसने दिया, तूने दिया, तू मैंने दिया, इसने दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे मैं बता चुड़ैल का है। चु 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 तू चुप रह, तू बोल। हैं चुड़ैल? चुड़ैल का तो बाबा जी आपको पता होगा ना, हमें थोड़ी पता होगा। आप तांत्रिक को, हमें पैसे आपको दिए, आपने हमको दिए। हाँ मेरे को तो पता है, बुलाता हूँ मैं, बुलाता हूँ। भाई मुझे तो लग रहा है नकली है बाबा। कैसे सर? बाबा जी मेरी बेइज्जती करोगे क्या? अरे कुछ तंत्र मंत्र कुछ मारो यार। मारता हूँ ना, अभी मारता हूँ, रुक जा। तू चुप रह, मैं बुलाता हूँ उसे। पप्पू की माँ का मंत्र, आजा आजा। पप्पू की माँ का मंत्र, आजा आजा। एक बार आजा 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 आजा। इतनी सुबह मुझे किसने बुला लिया? मैं जा रहा भाई। अबे ओ तेरा ही घर है। चुड़ैल। अरे बाबा करो ना जल्दी से कुछ। करता हूँ अभी। अबे ओ छोटी ढोलक तू भगाएगा मुझे। किसे कह रही है? तुझे। हाँ फिर ठीक है, मुझे कह रही है तो इनको कुछ मत कहियो, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। ए चुप। अबे तू पागल है क्या? अभी चुप रहना रे, चुप रह। पैसा लेगा क्या? चुप रहने का पैसा लेगा? ये दे रे इसको, दे। नहीं दूंगा 150 रुपए। चुप करो ना कुछ करो, क्यों खड़े हो? मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी करो ना, फिर जो आइडिया है भागो यहाँ से। ये यार इसको जाने की बड़ी जल्दी लग रही है भाई, ये ढोंगी है, इसको भागो यहाँ से। तू जा भाई तू जा, तेरा कोई काम नहीं है। मैं हूँ बिल्लो रानी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने। अरे वो बिल्लो, तू बिल्लो होगी अपने घर की,
मैं हूँ लीला चमन, यही भसम कर दूंगा। कहीं तू हल्के में ले रही हो। वो तो क्या तेरा, चल अब प्यार से इस बोतल के अंदर आ जा। इस बोतल में कभी नहीं आऊंगी। आ जा प्यार से। नहीं आऊंगी। अब तो ये नहीं आ रही भाई मेरे पास, अब कोई चारा नहीं, मैं जा रहा हूँ। देखा देखा देखा, मैंने तो पहले ही बोला था ये ढोंगी बाबा है। बेबी ढोंगी बाबा है, इसको भगाओ यहाँ से, इसके बस की कुछ भी नहीं है। वो पहले भी बुलाया था बाबा, वो भी ऐसी था, ये भी ऐसी है। ए, एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? मैं इसे बोतल में तो कैद नहीं कर सकता, लेकिन ये ना जिसे ज्यादा पसंद करती होगी ना, वो इसे इस बोतल में ला सकता है। अच्छा, ज्यादा पसंद। तेरा काम कर गया। नहीं ठीक है यार, जा रहा हूँ। चुड़ैल जी। हाँ बेबी। आप इस बोतल में आ जाओ ना। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? करूंगा। डन है, शादी आपसे जरूर कर लेगा ये। आप इसमें आ जाओ, बस जल्दी से आ जाओ, सफर नहीं हो रहा, जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ। फेलो, अभी आई, आ गई मैं। फंस गई चुड़ैल। क्या करें बाबा जी इसका? अब तो इसका एक ही उपाय है। क्या क्या? फाइनली हमने चुड़ैल को दफना दिया और हमें इससे छुटकारा मिल गया। यस, थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने पता है हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है ना, मैं कह नहीं सकता, लव यू आपको। तो अब क्या करें फिर? हाँ यार, कुछ तो करने का मन कर रहा है मेरा भी। क्या? पानी पीने चलते हैं। अरे नहीं, पार्क जाना है। अरे नहीं, पता नहीं। पागल, अरे यार सच में बताओ ना, क्या करते हैं बताओ ना, कुछ मतलब अच्छा करने का मन कर रहा है। बेबी मैं क्या कहती, पार्टी करते हैं। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बोलते हो गाइस, पार्टी शार्टी हो जाए? अरे हाँ भाई, सही कह रहा है, पार्टी करते हैं। तो भाई चलो पार्टी करते हैं। चलो बाबा जी आप भी हमारे साथ चलो। नहीं। क्यों नहीं? देन दे, मत बोल। अरे नहीं, क्यों? अरे मैं सन्यासी आदमी हूँ, मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता। अरे बाबा जी प्लीज, चलो ना चलो ना। हे, बोला ना नहीं तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं गाइस, हम पार्टी शार्टी कर लेते, क्या बोलते हो? हाँ? तो कर ले पार्टी। तो चलो फिर, चलो चलो। अरे भाई चलना। अरे तुम लोग चलो, मैं बस दो मिनट में आया। ठीक है ठीक है, चल। अब तुम आजाद हो। हाँ बेबी, खोल दो खोल दो, अगर आज मैं बाहर आई तो बस तुम्हारी वजह से आऊंगी। और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर जल्दी से जाके कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल द शिवम को। साइड में घंटा उसे दबा दो ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।